कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच में विद्यार्थी वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अलग अलग शहरों से जयपुर में आकर रहने वाले स्टूडेंट्स को मकान का किराया देने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई विभागों में भर्तियां भी फिलहाल अटकी पड़ी है। इसी के चलते एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अनिल चोपड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए मकान किराया माफी की एक मुहिम चलाई है। सोशल मीडिया पर चलाई गई इस मुहिम को काफी सपोर्ट भी अब मिलने लगा है और कई मकान मालिकों ने इससे प्रभावित होकर किराया भी माफ किया है। इसी के साथ चिकित्सा विभाग में अटकी हुई भर्तियों को लेकर सचिव अनिल चोपड़ा ने चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की और जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया। हर वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा है, सबसे ज्यादा दोहरी मार पड़ी है तो विद्यार्थी वर्ग को पड़ी है। मैं तमाम मकान मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, ये कल का भविष्य है, आप सब विद्यार्थियों के लिए किराया माफी में हमारे इस अभियान का हिस्सा बने। सॉरी फॉर रूम रेंट, इस मुहिम ने नेशनल ट्रेंड किया है। 25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपनी आवाज उठा के दर्शा दिया है कि विद्यार्थियों को उनका हक मिलना चाहिए।